हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत में राज्य प्रशासन BA पार्ट द्वितीय के अंतर्गत, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, में मुख्य सचिव के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले आपको बताया जा चुका है कि मुख्य सचिव का पद क्या होता है, किस प्रकार से वो अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है, उसकी क्या पदस्थिति है। आज हम मुख्य सचिव के अन्य शेष बचे कार्य, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैबिनेट सचिव से मुख्य सचिव का पद किस प्रकार से भिन्न है या किस प्रकार से वो समानता रखता है, इसके बारे में आज अध्ययन हम करेंगे। मुख्य सचिव उन सभी कार्यों को भी देखता है जो दूसरे सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, ऐसे कार्य जो किसी भी विभाग या सचिव के अधीन नहीं है, उन सभी कार्यों की जिम्मेदारी मुख्य सचिव के रूप पास रहती है। केंद्र स्तर पर यह जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव के पास रहती है, PMO के प्रधान सचिव के पास वो जिम्मेदारी रहती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर यह जिम्मेदारी राज्य में मुख्य सचिव के पास रहती है। मुख्य सचिव क्षेत्रीय परिषद में जब उसकी बारी आती है रोटेशन के आधार पर, उस क्षेत्रीय परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। हमारे भारत देश को विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है, जिनमें बहुत सारे राज्यों का समूह मिलकर एक क्षेत्रीय परिषद का निर्माण होता है। तो जब जैसे मान लीजिए राजस्थान राज्य है, तो जब राजस्थान राज्य की बारी आएगी तो उसका जो सचिव है, मुख्य सचिव जो है वो क्षेत्रीय परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। यानी क्षेत्रीय परिषद में कुछ राज्य शामिल होते हैं और प्रत्येक राज्य को परिषद का सदस्य माना जाता है। प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव बारी बारी से परिषद के सचिव का कार्य। अगली बात जो ध्यान रखने की है कि मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय को नियंत्रित तथा कुशलतापूर्वक उसका पर्यवेक्षण करता है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रधान होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो ये जिम्मेदारी भी मुख्य सचिव की रहती है कि वो राज्य सचिवालय पर अपना नियंत्रण स्थापित। इसके अलावा मुख्य सचिव का जो सचिवालय भवन है, मंत्री से संबंधित जो स्टाफ है, केंद्रीय अभिलेखागार है, सचिवालय का जो पुस्तकालय है, सचिवालय के विभागों की संख्या, संरक्षा वाली बात जो है आ जाती है, निगरानी संबंधी जो कार्य है, उससे जुड़े हुए जो स्टाफ है, उन सब पे भी नियंत्रण मुख्य सचिव के द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा मुख्य सचिव अपनी जो सरकार है, राज्य जो सरकार है, उसका केंद्र सरकार अन्य राज्यों की सरकारों के मध्य संपर्क और संवाद का मुख्य माध्यम होता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री राजनीतिक स्तर पर भूमिका निर्वहन करता है, उसी तरह मुख्य सचिव प्रशासनिक स्तर पर इस भूमिका का निर्वाह करता है। इसके अलावा वह कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर तथा नियोजन से जुड़े प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि सामान्य प्रशासन विभाग, जिसके अधीन संभागीय आयुक्त से लेकर के जिला कलेक्टर, SDM, ADM, तहसीलदार, ये सब पदाधिकारी आते हैं, जिनकी दो प्रमुख कार्य हैं, एक तरफ तो राजस्व व्यवस्था का ध्यान रखना, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और ये विभाग सीधे सीधे मुख्य सचिव के नियंत्रण में होता है, तो ये जिम्मेदारी मुख्य सचिव की बन पड़ती है। इसी तरह नियोजन विभाग भी मुख्य सचिव के अधीन ही रहता है, मुख्य सचिव का इसमें दखल रहता है पूर्ण रूप में। ये दोनों विभाग वो विभाग है जो सीधे मुख्यमंत्री के निर्देशन में होते हैं और इनकी पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी मुख्य सचिव के ऊपर होती है। इसके अलावा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होने वाली वार्षिक बैठक सम्मेलन, इसमें मुख्य सचिव राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में भी वह कार्य, ये भूमिका राजनीतिक स्तर पर मुख्यमंत्री निभाते हैं और प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा निभाई जाती है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू कर दिया जाता है या हो जाता है, तो केंद्र की ओर से राज्यपाल के सलाहकार की जिम्मेदारी भी किस पे आ जाती है? मुख्य सचिव के ऊपर आ जाती है। और वैसे ये सलाहकार किसका है? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार है, लेकिन जब आपातकाल लागू होता है, आपातकाल कौन सा मतलब, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस टाइम ये राज्यपाल के प्रधान सलाहकार की भूमिका ये निर्वहन करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जब भी बैठक आयोजित होती है उसमें मुख्य सचिव भी उसमें भाग लेता है। इसके अलावा राज्य सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी ये कार्य करता है। वैसे जनसंपर्क का कार्य किसका होता है? राजनेताओं का होता है, मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन अगर प्रशासनिक स्तर पर अगर हम बात की जाए तो ये जिम्मेदारी मुख्य सचिव के ऊपर होती है। अब हम मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव, चीफ सेक्रेटरी एंड कैबिनेट सेक्रेटरी के पदों में क्या अंतर है, क्या समानता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। केंद्र सरकार में राज्य के मुख्य सचिव के पद के समतुल्य कोई भी पद नहीं है। मतलब यही एक डिफरेंस समझ ले, मैंने आपको एक तरफ समझाया कि मुख्य सचिव का जो पद है समकक्ष होता है केंद्रीय स्तर पर सचिव के। केंद्र सरकार में जो सचिव के पद पर कार्यरत हैं, केंद्रीय सचिवालय में सचिव के पद पर जो कार्यरत हैं, वो राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव के पद के बराबर माने गए, ये बात हम जान चुके हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ और हो रही है, यहाँ बात हो रही भूमिका की, कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में जो भूमिका का निर्वहन करता है उसके समान भूमिका का निर्वहन केंद्रीय स्तर पर कोई भी पदाधिकारी नहीं करता। यहाँ तक कि कैबिनेट सचिव के पास भी इतनी सारी भूमिकाएं नहीं है। वास्तविकता यह है कि मुख्य सचिव द्वारा प्रशासन में जितने अधिकारी किए जाते हैं और भिन्न भिन्न भूमिकाएं अकेले निभाई जाती हैं, उन कार्यों को करने के लिए केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव और वित्त सचिव, इन सब का मिला जुला रूप है। साथ में मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रधान सचिव, वो भी इसमें शामिल है। इन सब एक तरफ पांच पदाधिकारी, एक तरफ अकेला, यानी वहाँ जो पांच अधिकारी मिलके जिस भूमिका को निभा रहे हैं, वहाँ उतनी भूमिका को अकेले यहाँ पर मुख्य सचिव द्वारा निभाया जाता है। अब पहली बात तो हम ये देखते हैं कि मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव में क्या समानता है, क्या प्रमुख ऐसी बात है जो दोनों में समान है। तो पहली बात, दोनों अपने अपने मुख्य कार्यपालकों के प्रमुख सलाहकार। केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन हुआ? कैबिनेट सचिव। उसी तरह राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार कौन हुआ? मुख्य सचिव। इसके दोनों अपने अपने प्रशासन के कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं। समन्वय की जिम्मेदारी दोनों ही जगहों पर, चाहे कैबिनेट सचिव हो यानी केंद्र स्तर पर, और चाहे मुख्य सचिव यानी राज्य स्तर पर, की जिम्मेदारी इन दोनों की है, यानी दोनों मुख्य समन्वयक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसके अलावा दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल के कैबिनेट सचिवालय के सचिव होते हैं, सचिव की भूमिका भी निभाते हैं। किसकी? कैबिनेट की। मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी कार्य करता है केंद्र स्तर पर, और राज्य स्तर पर यही भूमिका मुख्य सचिव द्वारा भी निभाई जाती है। इसके अलावा दोनों अपने अपने कैबिनेट सचिवालयों के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। ध्यान से समझ लें, केंद्र स्तर पर केंद्रीय सचिवालय अलग है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कैबिनेट सचिवालय अलग है ना। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ पे जो कैबिनेट सचिवालय केंद्र स्तर पर, उसका प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव। और राज्य स्तर पर जो कैबिनेट सचिवालय है उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। और अलग बात जो हमें ध्यान है, जानते भी हैं कि सारी विरासत ब्रिटिश शासन की है, और ब्रिटिश शासन के द्वारा इन पदों की शुरुआत शुरू में हमेशा केंद्र स्तर पर ही हुई, यानी दोनों पद केंद्र स्तर पर सृजित किए गए।
दोनों पदाधिकारी मंत्रिमंडल द्वारा, ये कार्य हम पढ़ चुके हैं कि मंत्रिमंडल द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी, उनका निर्देशन पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी इन दोनों पदाधिकारियों की होती है, एक जैसी होती है। इसके अलावा हम जानते ही हैं कि दोनों अपनी अपनी लोक सेवाओं की, राज्य लोक सेवा का प्रमुख मुख्य सचिव और केंद्र स्तर पर जो लोक सेवा है या पूरे भारत की जो लोक सेवा है उसका जो प्रमुख है वो कौन है, कैबिनेट सचिव होता है। अब ये तो ही समानता की बात, अब हम बात करते हैं दोनों के बीच क्या अंतर है, क्या असमानता है। तो पहली बात तो ये कि मुख्य सचिव के पास जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं, वो कैबिनेट सचिव से अधिक होती है, तुलनात्मक रूप में ज्यादा होती है। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जबकि कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख नहीं होता। मैंने आपको अभी बताया था कि केंद्र स्तर पर केंद्रीय सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय दो संस्थाएं हैं। कैबिनेट सचिव जो है, कैबिनेट सचिवालय का तो प्रमुख होता है लेकिन केंद्रीय सचिवालय का वह प्रमुख नहीं होता, और राज्य स्तर पर ये भूमिका मुख्य सचिव निभाता है कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का भी प्रशासनिक प्रमुख होता है। दूसरी जो प्रमुख बात, जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, मुख्य सचिव राज्य सचिवों में प्रधान होता है, उन सबसे ऊपर होता है, ठीक है। जबकि कैबिनेट जो सचिव है, मंत्रिमंडल जो सचिव है, केंद्र सरकार के जो सचिव है, उनका प्रधान नहीं होता, वो उनमें से एक होता है समान दर्जे का, लेकिन प्रथम मान लिया जाता है, सर्वोच्च मान लिया, दर्जा सबका समान है लेकिन उनमें वो सर्वोच्च है। ये दूसरा अंतर है और प्रमुख अंतर जो आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, मुख्य सचिव जो है राज्य स्तर पर वे सभी कार्य भी देखता है जो किसी भी विभाग के अधीन या किसी भी सचिव के अधीन नहीं आते हैं, जबकि केंद्र स्तर पर ये जो जिम्मेदारी है कैबिनेट सचिव को नहीं दे करके प्रधानमंत्री कार्यालय का, जो प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको ही जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राज्य सचिवालय में, या यूँ समझ लीजिए मुख्य सचिव के पास कुछ विभागों की सीधे सीधे जिम्मेदारी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्मिक विभाग हुआ, प्रशासनिक सुधार विभाग हुआ, सामान्य प्रशासन विभाग हुआ, ये ऐसे विभाग है जिनकी सीधी सीधी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, जिनका दायित्व किस पे होता है, मुख्य सचिव होता है। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी के पास इस तरह का कोई भी विभाग प्रत्यक्ष मौजूद नहीं होता है। तो ये इनके बीच का अंतर है। तो बच्चों, आज हमने मुख्य सचिव को कंप्लीट कर लिया है, आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के अंदर प्रशासन की धुरी है, उसी के नेतृत्व में, उसी के निर्देशन में, पर्यवेक्षण में पूरा प्रशासन कार्य करता है। मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार भी वही होता है, राज्य का प्रमुख वक्ता मान लीजिए, प्रवक्ता मान लीजिए, या राज्य का प्रतिनिधि मान लीजिए, प्रशासनिक स्तर पर कौन रहता है, मुख्य सचिव रहता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। इसी के साथ आज यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।